नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एलडीसी स्पेशल, जिसमें आप प्रीपोजिशन से रिलेटेड और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी आरपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ मैं आपको इस फॉर्मेट में बताना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी हमने फ्रेजल वर्ब के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी, यहाँ सिर्फ हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन सारे के सारे ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द विंड और स्पेस दिया हुआ है, ऑप्शन चार लिखे हुए थे, मैंने यहाँ तीन ही लिखे हैं, ठीक है, जगह को बचाने के लिए। ब्लू अवे लिखा हुआ है, ब्लू आउट और ब्लो अवे। देखिएगा गाइस अगर हमारा पढ़ा हुआ होगा तो हमें आसानी होगी, क्योंकि द विंड और यहाँ पर द कैंडल है, तो हवा क्या करेगी, कैंडल यानी कि मोमबत्ती को बुझा देगी, तो बुझा देने के लिए हम लोग ब्लो आउट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू आउट, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द विंड ब्लू आउट द कैंडल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्लू आउट का मतलब ब्लो आउट बुझाना, इसकी सेकेंड एक्शन आ गई या दी हुई है हमें ऑप्शन में, ब्लू आउट दी हुई है, राइट। तो ब्लू आउट का मतलब होता है बुझाना, राइट। वी मस्ट स्पेस दिया हुआ है, आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इन टू डेब्ट। यहां पर देखिएगा इसको समझने की जरूरत है, वी मस्ट फिर आगे है, या तो हम अपने खर्चे को या फिर कर्जे में डूब जाए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें खर्चे कम कर देने चाहिए। तो यहाँ पे कट डाउन दिया हुआ है, तो कट डाउन का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कट डाउन का मतलब टू रिड्यूस यानी कम कर देना, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर द एनिमी आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब यहाँ पर हथियारों से ले सकते हैं आप लोग, तो एनिमी दुश्मन और हथियार, तो वो क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा दुश्मनों ने अपने हथियार रख दिए, अर्थात उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, लेट डाउन, क्या कर सकते हैं, लेट डाउन, अपने हथियार रख देने, आत्मसमर्पण कर देना। तो ये किसकी कौन सा वर्ड हमारे फ्रेजल वर्ब क्या आ जाएगी, लेट डाउन काम में आएगी। आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसे फ्रेजल वर्ब को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, राइट। नेक्स्ट वर्ड है द रेबेलियन वाज इन नो टाइम, अब देखिएगा रेबेलियन यानी कि विद्रोही, बिना कोई समय किए गए, तो विद्रोहियों को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, अर्थात हिंसा को कंट्रोल में करना है, दबाना, उसके लिए हमारे पास में वर्ड दबा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है, देखो पुट डाउन, क्योंकि पुट अप का मतलब पेश करना, पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर देना, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, पुट डाउन यानी कि दमन कर देना, दबा देना, तो विद्रोह को दबा देना के लिए स्पेशल वर्ड बना हुआ है, कौन सा, पुट डाउन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पुट डाउन। गाइज अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के अपडेट का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साइड में बेल आइकन का बटन दबा हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हम यहाँ से वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट टू ब्रदर्स, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उन लोगों ने क्या किया, झगड़ा शुरू कर दिया, किसके मैटर को लेकर के, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को, तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, ठीक है, या झगड़ा करना। अगला है चीफ गेस्ट विल, ये तो बहुत ही नॉर्मल है और एग्जाम में वैसे पूछे भी वही जाते हैं जो अमूमन हमारे काम में आते हैं। देखिएगा ये वाला था मोमबत्ती बुझाने वाला, अपने काम में आता रहता है। इसके अलावा बात करें तो प्राइसेस को लेकर के कट डाउन वाला जो था, ये बहुत बार काम में आता रहता है, हम लोग यूज करते हैं इसको, और एग्जाम के पैटर्न में आप पेपर उठा के देखना, ज्यादातर वही इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो अमूमन हम लोग काम में ले रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहां पर देखेगा ये है द चीफ गेस्ट विल, और यहां पर देखेगा प्राइजेस, तो चीफ गेस्ट क्या करता है, गिव अप का मतलब त्याग देना, तो त्यागता नहीं, वो क्या करता है, गिव अवे, गिव अवे का मतलब देना, प्रदान करना, तो चीफ गेस्ट क्या करता है, प्राइज देता है ना, जो प्राइज विनर्स होते हैं उनको हम लोग किसके हाथों से प्राइज दिलवाना पसंद करते हैं, चीफ गेस्ट के द्वारा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिव अवे। ही हैज, यहां फिल इन द ब्लैंक था, ए न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, ओके, तो देखेगा नया बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बना हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सेटअप करते हैं, तो सिंपल सा है, इसमें हमें लिखा हुआ है सेटअप, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेटअप। तो देखिएगा सीधे सीधे आंसर, मोमबत्ती बुझाते हैं, बुझाने के लिए पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब बनी है ब्लू आउट, तो इसलिए ब्लू आउट बनी हुई, इसलिए यहाँ पे सेकंड एक्शन थी, ब्लू आउट इज द करेक्ट आंसर। हमें प्राइसेज, हमें खर्चे क्या कर देने चाहिए, कम कर देने चाहिए, तो कट डाउन आ गया। यहां पर क्या था कि दुश्मनों ने क्या कर दिया कि आत्मसमर्पण कर दिया, तो लेट डाउन का मतलब आत्मसमर्पण होता है। रेबेलियन, विद्रोह को दबाया जाता है, तो दबाने के लिए कौन सी बनी हुई है, पुट डाउन बनी हुई है स्पेशल, तो हमारा डायरेक्ट आंसर पुट डाउन आ गया। और भाइयों के बीच में क्या हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, तो फेल आउट का मतलब झगड़ा होना। द चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट क्या करता है, वितरण करता है किसका, इनके क्या देता है, इनाम देता है, तो गिव अवे का मतलब होता है। और ही हैज ए न्यू बिजनेस, तो नया बिजनेस हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, तो नए बिजनेस के लिए क्या कर देंगे, सेटअप। द स्ट्राइक वाज आफ्टर निगोशिएशंस, तो यानी कि वार्तालाप इत्यादि के बाद में या कुछ समझौते के बाद में क्या हो जाती है, स्ट्राइक समाप्त हो जाती है, तो समाप्त होने के लिए बोलते हैं कोल्ड ऑफ,
क्योंकि कॉल आउट की बात करें तो कॉल आउट किसी सहायता के लिए पुकारना होता है, तो ये आएगा नहीं। इसमें दो ऑप्शन और थे जो इससे मिलते जुलते नहीं है, जगह की प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ कम लिखा है, बाकी सब में चार चार ऑप्शन आते हैं, जैसा कि आप लोग सब गाइस जानते हैं जो जो पेपर में अपियर होते हैं, राइट गाइस, चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, टू बी क्लियर। फिर है प्लीज फिल इन द ब्लैंक द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। देखिएगा क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चंस में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर देखिएगा लिखा प्लीज द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, तो एक तो हमने कहा ब्लू आउट, तो हवा तो बुझा देती है, किंतु हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आग इत्यादि को या कोई भी चीज हो उसको क्या कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, स्पेशली फायर के लिए यूज होता है। तो यहां पर कैंडल को जब भी हम लोग बाहर जाएं क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये हवा बुझा रही थी इसलिए ब्लो आउट लेंगे, और यहां पर देखिएगा हमें उसको बुझा देना चाहिए, यहां पर कौन सा आएगा पुट आउट, टू बी क्लियर। सी टैक्स आफ्टर हर मदर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी टैक्स आफ्टर हमें फ्रेजल वर्ब दी गई है और इसका हमें अर्थ बताना था, जब हमें वहां पे चार वर्ड्स लिख करके दे देगा, जिस तरीके से चार फ्रेजल वर्ब दी हुई थी उनमें से चूज करना था, फाइंड आउट करना था। एज इट इज हमें यहां पर ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है और उसका जो मीन निकलता है रिलेटेड मीनिंग वो पूछ रहा है। तो देखिएगा आपको पता है टैक्स आफ्टर का मतलब होता है की शकल का दिखना, यानी कि हमसे उसकी शकल का दिखना, जैसा दिखना, तो यहाँ पे रिसेंबल्स का मतलब होता है कि जैसा दिखना, तो यानी कि वो किसके जैसा दिखाई देता है, अपनी माता की तरह दिखाई देता है, यानी कि वह कैसे दिखाई देती है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करेगा, सी टैक्स आफ्टर हर मदर, यानी कि उसकी शकल कैसी, उसकी माँ की जैसी, वह अपनी माँ की तरह दिखाई देती है, तो रिसेंबल्स का मतलब होता है जैसा दिखाई देना, तो ओबे जो फॉलो आएंगे नहीं, राइट गाइस। तो हमें इसका अर्थ याद रखना है और इस तरीके से हमें यूज करना आना चाहिए। अगला है कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, सिंपल सिंपल सा आर दे रहा है, देखिएगा वाक्य को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इजी वे से इनका मीनिंग निकल रहा है, कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, तो जल्दी से क्या करना है हमें बुलाना है, तो बुलाने के लिए यहां पर हमें वर्ड दिए हुए सेंड फॉर, सेंड और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना तो ये आएगा नहीं, सेंड का मतलब भेजना आएगा नहीं, तो सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना। तो गाइस इस तरीके से अगर हम लोग तैयार करेंगे क्वेश्चंस को पढ़कर, क्वेश्चंस में अगर अप्लाई करेंगे तो फ्रेजल वर्ब आपको ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि आजकल ज्यादातर जो भी एग्जाम का पैटर्न उसमें फ्रेजल वर्ब ज्यादा जोड़ दी गई है, तो हमारे फ्रेजल वर्ब की स्पेशल हमने फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो डाल रखे हैं, ये वाला जो था हमने स्पेशल प्रैक्टिस सेट के रूप में डाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।